सरकार एक और शहर गांव-गांव और गली-गली में शिक्षा और विकास की ओर बढ़ने के लिए जागरूकता का दीपक जला रही है, तो वहीं सरकार कहती है पढ़ेगा झारखंड बढ़ेगा झारखंड। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इतना ही नहीं, सरकार पहले पढ़ाई फिर विदाई का नारा लगाते नहीं थकती, लेकिन सारी बातें खोखली साबित हो रही है। लेकिन गुमला में असामाजिक तत्व और नशेड़ियों द्वारा शिक्षा के मंदिर को लज्जित किया जा रहा है और जिले की मुखिया का ध्यान इस ओर नहीं है और न ही सरकार की ओर से कोई पहल की गई। हम बात कर रहे हैं गुमला जिला मुख्यालय से सटे करम टोली स्थित खेल मैदान की, जहां असामाजिक तत्व और नशेड़ियों द्वारा नशे की हालत में किसी भी तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देना एक आम बात हो गई। तो पढ़ाई ठीक ही होती है, परंतु बच्चिया खेल कूद में भी बहुत आगे है, जिसके कारण ये मैदान है वहाँ बच्चिया खेल कूद के लिए निकलती है, जिसके कारण बच्चिया को बहुत ही परेशानी, सुरक्षित अंदर रहते हुए भी हम लोग को असुरक्षित महसूस होती है। यहाँ पर ही दुकानदार लगे हुए हैं हड़िया दारू के, जिसके कारण लड़कियाँ थोड़ा असुरक्षित महसूस करती है खुद को। वे लड़कों यहाँ पर ही आते हैं मैदान में, उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगता है खेल कूद, वह अपना स्वभाव वहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाती है, वो पूरा खुल के नहीं खेल सकती है। उसके साथ कुछ भी कमेंट वमेंट किया जाता है, पर वो परंतु वहाँ कुछ बोलती नहीं है, और वह हड़िया दारू के भी भरमार पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा बुरा भी लगता है कि हमारे स्कूल के नज़दीक में ही ये दुकान लगे हुए हैं, पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बता दें कि करम टोली खेल मैदान में राजेंद्र अभ्यास विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जिला स्कूल, मॉडर्न स्कूल, शिक्षक कार्यालय, बीआरसी कार्यालय, और गौर करने की बात तो ये है कि खेल मैदान में गृह रक्षा वाहनी का पुलिस कार्यालय भी चल रहा है, लेकिन बिना डर भय के खुलेआम यहाँ मनमानी देखने को मिल रही है, या यूँ कहें कि पुलिस का डर मिट गया है। खुलेआम शिक्षण संस्थानों के पास शराब की बिक्री की जाती है, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी तरह की घटना हो सकती है, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए भी छात्राएं स्कूल जाने को विवश हैं। प्रशासन को इसमें तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस कैंपस में हम लोगों के पांच पांच स्कूल चल रहे हैं, और हमारी बच्चियां भी शाम को प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलती हैं, और यहाँ पे शराब पी करके यहाँ पर जो नशेड़िया लोग रहते हैं, और बहुत बार यहाँ पे आने जाने वाले बच्चों का भी छेड़छाड़ भी का भी शिकायत आता है, तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे ये बंद हो जाए। और यहाँ पे ये गृह रक्षा वाहिनी का भी है, यही पे है, लेकिन हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होता उससे। नजर हम पा रहे इतने सारे स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पर तो होना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम दारू ढड़िया जो भी बिक्री हो रही है उसको हटा दे, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हॉस्टल चल रहा है, हॉस्टल में तो इतनी सारी बच्चियों का सुरक्षा का भी सवाल होता है, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि गेट के पास आकर के सब बदमाशी करते हैं, तो हम लोगों को तो सुरक्षा चाहिए। यह क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय इस कैंपस के अंतर्गत संचालित है, प्रायः चार पांच विद्यालय यहाँ पर चल रहा है। एक तरह से कहिए कि यह हमारा जो ट्रेनिंग स्कूल का कैंपस है, यह एजुकेशन हब के रूप में भी देखा जा सकता है, और क्योंकि यह किसी भी दृष्टिकोण से जहाँ पर कि बच्चे आते हैं और वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो, उसे किसी भी स्तर से उसकी समर्थन नहीं दी जा सकती है, और इसके एवज में बराबर जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा आवाज उठाई गई है, लेकिन आज तक जो है प्रशासन जो है इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं ले पाई है। क्योंकि स्कूल के ठीक सामने हर दिन और सुबह से ही इस तरह का जमावड़ा लगा रहता है, और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो क्या देखते हैं सामने, क्या करते हैं, और निश्चित ही चिंता का विषय है कि इस तरह मतलब प्रशासन का अगर सहायता नहीं मिला तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम जो शिक्षा देते हैं बच्चों को उसमें ये शामिल नहीं है, हम उनको अच्छे से अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, अच्छी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह सामने दिखे तो हम क्या क्या उनको समझाएंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? कि कम से कम उनकी तरफ से हमें सहयोग मिले, और ये जो हर दिन यहाँ पर जमावड़ा होता है वो न रहे। वहीं इस मामले में जब माता पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने बच्चे को मजबूरी में स्कूल भेज रहे हैं, और आने जाने के दौरान नशेड़ियों द्वारा अक्सर छेड़छाड़ की जाती है, और हम लोग विवश हैं। साथ ही प्राचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक और वार्डन का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है, और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए।
तो वहीं जब उपायुक्त से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि शराब की बिक्री को वहां से हटवाया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वहां पर जो परिसर है उसके आसपास कुछ शराब की बिक्री होती है, जो होममेड लिकर होता है। बगल बगल में शिक्षण संस्थान भी है, तो हमने पुलिस को और SDO को भी डायरेक्ट किया है कि उसको वहाँ से उसको हटा दें और जल्दी उसको छापामारी करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त का कहना है कि शिक्षण संस्थानों के पास शराब की बिक्री गलत है और इसके लिए पुलिस को सूचित किया गया है कि उसको वहाँ से जल्द हटवाया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन मामले को कितना गंभीरता से लेती है या फिर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।